भाजपा का जो नीति है कि गरीबों को प्रणाम करो, अमीरों का काम करो। अगर ये 2024 का चुनावी से गुफा है तब तो अफसोस है। दरभंगा में बीजेपी के दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक का जवाब अब देगी जेडीयू महागठबंधन। भीम चौपाल लगा करके नीचे स्तर से लेकर के यानी पंचायत स्तर से लेकर के शहरी स्तर तक, वहीं आज हम आपको बताते चले, हमने जो माइनॉरिटी के दो मुख्य सदस्य है जेडीयू दरभंगा में, नजीर अहमद अंसारी जो प्रदेश उपाध्यक्ष है माइनॉरिटी के, और वहीं पूर्व महासचिव मोहम्मद जमीदुल से पूछा कि 9 साल के बाद प्रधानमंत्री का जो प्यार उभरा है पासवानदा मुसलमान के लिए, क्या इससे पार्टी क्या समझती है और आप क्या समझते हैं। एक शेख है तो एक अंसारी है, कहीं रायन बिरादर है, पठान है, आखिर पार्टी लाइन किस तरीके से इसको लेती है। और बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को लेकर के, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के आया हुआ ये जो स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का, उस पर आप लोगों पर कितना दबाव डालेगी, क्या मुसलमानों में भी अंसारी नाम है आपका? नजीर अहमद अंसारी। अच्छा, ये पूरा नाम है, आप अंसारी समाज से आते हैं जी। प्रधानमंत्री जी को अभी आप लोग की याद आई, आपकी समाज की याद आई है 9 साल के बाद पासवानदा मुसलमान की, क्या लगता है प्रधानमंत्री का इच्छा क्या है? आप लोग बहुत पिछड़े हैं क्या वाकई में? पिछड़ी मुस्लिम जमात में दो कैटेगरी है, एक है जनरल क्लास, एक अति पिछड़ा क्लास, अति पिछड़ी जमात। प्रधानमंत्री जी को अति पिछड़ी जमात की याद आई है, अगर ये 2024 का चुनावी से गुफा है तब तो अफसोस है। नहीं तो पार्टी कैसे ले रही है, आपका समाज कैसे लेगा इसको? नहीं, तो सवाल पहले आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी बोल के रह जाते हैं या काम करते हैं। अच्छा। अगर वो बोल के रह जाते हैं तो बहुत अफसोस की बात है, ये पिछड़ी जमात के लोग जो झेलते आ रहे हैं 70-75 साल से, आज भी झेल रहे हैं और कल भी झेलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी हकीकत में अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि भाई शुद्धबुद्धि आई है, शुक्र है ऊपर वाले का। सिर्फ पासवानदा मुसलमान की माइनॉरिटी में और भी हैं, शेख है, रैयत है, सैयद है। नहीं, आप हम जनरल की बात नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो अति पिछड़ी जमात के मुसलमानों के बारे में सोचा है, बात किया है, तो वो चुनावी सगुफा नहीं होकर के, मैं फिर कह रहा हूँ कि जमीनी हकीकत अगर हो जाए तो हम समझेंगे बहुत बड़ी मेहरबानी है भाई। उन्होंने एक सेंटेंस और उसमें जोड़ा था, भले उनके बीच में जाओ वोट ना दे लेकिन उनको समझाओ। ये क्या समझाओ, ये दूसरा वो तो समझ नहीं, नहीं ये समझाते तो पिछड़ी जमात के लोग अभी तक समझ ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार में भी आपको अंसारी जमात जो इतनी बड़ी जमात है, मुस्लिम जमात में 40% की आबादी है अंसारी जमात की, आज भी विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या नीचे तबके में कहीं पर बोर्ड चेयरमैन में कहीं अंसारी बिरादरी नजर आ रहा है। तो पिछड़ी जमात के बारे में चर्चा तो सब करते हैं, हकीकत में कोई करके दिखावे तो हम समझेंगे चलो भाई ठीक है। 2024 चुनाव को लेकर के बीजेपी 40 संसदीय सीट के लिए 5000 बैठक करेगी बिहार में, और ऊपर से एक बहुत बड़ा राज्य है माइनॉरिटी को लेकर के बिहार में पासवान मुसलमान, क्या लगता है ये दो बम जो छोड़े हैं इसका क्या जवाब देगी जेडीयू पार्टी की तरफ से? आप बोलिए। देखिए, उनको परेशानी है इसीलिए वो 50,000 बैठक कर ले, हमको जरूरत नहीं, हमको अपने नीतीश कुमार के काम पर पूरा भरोसा है। जेडीयू को चारों तरफ से घेरा, कहीं से नहीं घेरा जा रहा, जेडीयू का काम बोल रहा है, घेर रही है, तेजस्वी घेर रहा है। खुद आपके माजी उपेंद्र, आपके जो कुशवाहा जी हैं, सबसे बड़ा चिराग पासवान, उनका इस्तेमाल भी किया। नीतीश कुमार जी का काम बोल रहा है बिहार के अंदर, काम बोल रहा है। 5000 नहीं 50,000 भी बैठक कर ले तो जनता किसी की सुनने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना करके दिल्ली भेजेगी 24 में, ये फाइनल संकल्प। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपने पार्टियों के लोगों को कि आप मुसलमानों के बीच जाएं, भले वोट ना दें, और ख़ास तरह से पासवानदा मुसलमानों को उन्होंने याद किया है, वो भी 9 साल के बाद, 2024 का लोकसभा का चुनाव भी है। भाजपा का जो नीति है कि गरीबों को प्रणाम करो, अमीरों का काम करो, उसमें आज पहली मर्तबा हमारे अल्पसंख्यक लोगों को उन्होंने जो चुना है और उसमें जो दीवार डालने का कोशिश किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक सूचना देना चाह रहा हूँ कि मुसलमान मुसलमान है, मुसलमान में कोई जाति, कोई ऊँच नीच नहीं है। ये आप किसी भी हमारे जो दीन के मौलाना है उनसे पता कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ मुसलमान को तोड़ने के लिए यह शब्द का इस्तेमाल किया है, बाकी मुसलमानों को कोई फायदा देने के लिए उन्होंने
इस जो सवाल उन्होंने किया है उससे किसी मुसलमान का कोई भला नहीं होना है, सिर्फ उनके पास है क्या। हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो उनका जो कहना है कि सभी वर्गों के लिए हमने काम किया है, और ये सही बात है, हम लोग सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, हम लोग को जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है, जो भी भारतीय हैं छोटे हो या बड़े हो, हमारे मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी सभी वर्गों के लिए काम किए हैं। ये 17 साल में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हम लोग जाति पर वोट नहीं मांगते हैं, हमारे मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी काम पर वोट मांगते हैं, बस हम लोग का यही लक्ष्य है, हमारे पार्टी का यही लक्ष्य है, हम लोग काम करते हैं और वोट मांगते हैं, हम लोग जाति विशेष पर नहीं जाते हैं।